हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी। मैं आज आपको चैप्टर 2 के कुछ एग्जांपल कराना जा रही हूँ, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। हमें सबसे पहले इस पॉलीनोमियल के जीरोस निकालने हैं और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए, ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। देखिए, सबसे पहले आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब हमें इस 10 के, ये देखिए, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है तो 10 वन जा 1, हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम या माइनस करके 7 आए, ठीक है। देखिए क्या होगा इसका, 5 और 2, ठीक है, 5 2 जा 10 और प्लस करके 7x आता है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ओके स्टूडेंट, दिख रहा होगा आपको। देखिए, अब हम सबसे पहले इसमें कॉमन लेंगे, फिर इसमें कॉमन में आपका एक्स दिख रहा है तो एक्स प्लस 5 और यहाँ पर आपका कॉमन 2 दिख रहा है तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 5, तो आपका हो गया एक्स प्लस 5 और यहाँ से एक्स प्लस 2, ठीक है। जीरोज निकाल के क्या करते हैं, इसको कैलकुलेटिंग जीरोज। ओके स्टूडेंट, कैलकुलेटिंग जीरोज, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5, एक्स इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो हमारे जीरोज आ गए माइनस 5 एंड माइनस 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट, कोफिशियंट और जीरोज के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है आपका, सम ऑफ जीरोज, तो आपके जीरोज क्या क्या है, माइनस 5 प्लस माइनस 2, ठीक है। सम ऑफ जीरोज ये है, इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। तो इस साइड का हमारा सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस 5 प्लस माइनस प्लस और माइनस करके माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस बी कितना है आपका, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो बी कितना आएगा, 7 और ए आएगा 1, तो यहाँ से भी माइनस 7 यहाँ से भी माइनस 7, तो आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखिए माइनस 5 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए माइनस 5 क्यों उठाए, माइनस 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 टू जो 10 और सी कितना है, 10 अपॉन 1, तो 10 इक्वल टू 10, तो आपका ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ एग्जाम्पल का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखिए फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। सेम वैसा ही है लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए सेम वैसे ही करेंगे हम, देखिए जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो आपका ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, देन ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहां पर एक्स का कोफिशियंट नहीं है तो ये एक्स बी का, बी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे 3, तो अब हम यहाँ पर देखिए हमें 3 के फैक्टर करने होते हैं और बीच वाला लाना होता है जो एक्स का कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है नहीं तो अब हम इसमें कुछ और टेक्निक अपनाएंगे, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। कभी भी किसी भी नंबर का, जैसे रूट 3 है, इसकी मल्टीप्लाई रूट 3 से करने के बाद वही नंबर आता है 3, तो हमने इसको रूट 3 का स्क्वायर कर दिया, 2 से स्क्वायर रूट घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक, इतना तक आ गया होगा आपको। देखिए अब क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग जीरोस। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, जीरोस को कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, इस पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल टू कर देंगे, तो ये जीरो के इक्वल है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो ये भी जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। माइनस रूट 3 इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस का रूट 3
एक्स इक्वल टू प्लस का रूट थ्री, तो आपके दो जीरोज आ गए माइनस का रूट थ्री और प्लस का रूट थ्री, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके जीरोज आ गए, जीरोज आर रूट थ्री एंड माइनस का रूट थ्री। अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, देखिए सम कितना है, रूट थ्री प्लस माइनस का रूट थ्री इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या जाएगा, जीरो। और बी का कोफिशियंट क्या है, जीरो, जीरो अपॉन वन जीरो, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके बाद आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रूट थ्री इंटू माइनस का रूट थ्री इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना है, माइनस का थ्री अपॉन ए, ठीक है। देखो रूट थ्री की मल्टीप्लाई रूट थ्री से करेंगे तो क्या आएगा, थ्री साइन माइनस का माइनस, तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से ही आप एक्सरसाइज 2.2, 2.3 सॉल्व करेंगे। तो मैंने लास्ट में आपको इस चैप्टर के एग्जाम्पल करा दिए, ठीक है। अभी आपके दो क्वेश्चन और हैं, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोज आर माइनस थ्री एंड टू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर लेट, देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालनी है जिसकी सम एंड प्रोडक्ट, जिसका सम, जिसमें हमें जीरोज का सम दिया है, कितना दिया है हमें, जीरोज का सम दिया है आपका माइनस थ्री एंड जीरोज का प्रोडक्ट हमें दिया है कितना, टू, ठीक है स्टूडेंट। देखिए लेट अल्फा बीटा आर टू जीरोज, टू जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। देन तो क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस थ्री एंड अल्फा बीटा इक्वल टू टू, ठीक है। तो देखिए अगर आपका अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इसकी क्या हो जाएगी, पॉलीनोमियल, ठीक है। तो इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इससे पहले मैं एक्सरसाइज 2.2 में आपको करा चुकी हूँ ये, तो आप इसको जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, माइनस थ्री एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पर टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस का टू, तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक फाइंड है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, देखिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालनी थी और आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ गई, ठीक है स्टूडेंट। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए आपको क्या करना है, वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है इस पॉलीनोमियल को, ठीक है, सिंपल डिवाइड करना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, इसकी डिवाइड करनी है, थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आपको डिवाइड करनी है, देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर थ्री एक्स क्यूब है, तो आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, थ्री एक्स से, तभी थ्री एक्स की मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर से होगी तो थ्री एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आगे आपको देखिए, अब थ्री एक्स की मल्टीप्लाई टू एक्स से करेंगे तो कितना आएगा, थ्री टू जा सिक्स एक्स, तो हम इसके नीचे लिखेंगे एक्स के वहां, तो ये माइनस ये माइनस ये कट गया, ये एक्स स्क्वायर, देखिए ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का फोर एक्स प्लस फाइव, ओके स्टूडेंट। इसके बाद फिर आप किससे करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ठीक है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, देखिए यहां पर एक मिस्टेक हो गई है, आप इसको करेक्शन कर लेना। देखिए थ्री टू जा सिक्स करेंगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहां पर ना आके ये यहां पर आएगा सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, देखिए आप करेक्शन कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। देखिए एक्स स्क्वायर से जब हम सिक्स एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, और प्लस का टू एक्स, और थ्री एक्स की मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना होगा, प्लस का थ्री एक्स, ये माइनस, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का एक्स, ओके स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से हमने थ्री एक्स क्यूब को हमें कट करना है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स की, थ्री एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगी तो थ्री एक्स क्यूब, फिर थ्री एक्स की मल्टीप्लाई टू एक्स से होगी तो थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स की मल्टीप्लाई वन से होगी तो थ्री एक्स, ठीक है, ये भी माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, एक्स स्क्वायर से सिक्स एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का टू एक्स है, यहाँ माइनस का थ्री एक्स है, तो कितना आएगा, माइनस का एक्स, प्लस का
फाइव। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट किससे करेंगे, माइनस के फाइव से। माइनस के फाइव किससे करेंगे, तो माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर, माइनस का फाइव पूजा टेन एक्स और माइनस का फाइव। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्लस और ये प्लस, ये कट गया। ये देखिए प्लस और माइनस कितना आएगा, प्लस और ये माइनस, तो कितना आएगा नाइन एक्स प्लस का टेन। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर बच गया और ये आपका क्वेश्चन। कोई भी क्वेरी करनी हो या कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।